झारखंड हाईकोर्ट के फटकार के बाद कल यानी मंगलवार को, बीते मंगलवार को रांची नगर निगम बहुत बड़ी कार्रवाई की थी। कल मंगलवार यानी बीते मंगलवार को रांची नगर निगम ने कोकर चौक से लालपुर चौक तक सड़क के दोनों और मुख्य मार्ग के दोनों ओर लगने वाले सब्जी मंडियों को कल सुबह छः बजे से लेकर देर शाम 5 बजे तक कार्रवाई करती रही। इस बीच रांची नगर निगम के प्रशासक और रांची जिला प्रशासन कोकर चौक से लेकर लालपुर चौक तक पूरी टीम मुस्तैद में नजर आए। इसको आज साफ तौर पर इसकी देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि रांची नगर निगम आज भी कोकर चौक से लेकर लालपुर चौक तक कार्रवाई कर रही है कि सड़क के किनारे कोई दुकान नहीं लगा हुआ है। आज साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि सड़क के दोनों रोड में कोई भी सब्जी दुकानें नहीं लगा हुआ, ना तो फल लगा हुआ, फल की दुकानें लगा हुआ है, ना तो मांस मछली की कोई भी दुकानें आज देखने को मिल रही है। लेकिन रांची नगर निगम को एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है। कल देर जिस तरह के अतिक्रमण हटाओ का अभियान चलाया गया, आज तो वो देखने को नहीं मिल रहा है। कोई भी दुकान है सड़क के किनारे नहीं लगाया है। लेकिन रांची नगर निगम को एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है। रांची नगर निगम की कल जो अतिक्रमण हटाया गया उसको लेकर आज यहाँ पे सड़क पे ही काफ़ी कचरा देखने को मिल रहा, जिससे लालपुर चौक में जाने वाले बस इस जहाँ पे ये कचरा जमा है, यहाँ से थोड़ा ही दूर पर लालपुर चौक है जहाँ पे लोग आने जाने वाले लोगों के लिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोग यहाँ पे मास्क पहन के अपना फेस मुंह दाब के यहाँ से लोग निकल रहे हैं, क्योंकि बहुत गंदगी है यहाँ पे, मक्खी लग रही है, लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो रांची नगर निगम को यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि जिस तरह कल अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाएं और सड़क के दोनों ओर मतलब लालपुर और कोकर चौक तक जितने भी सब्जी और फल का दुकानें लगते थे वो हटाया गया, और आज साफ तौर देखने को मिल रहा है कि कोई भी दुकानें नहीं लगा हुआ है। साफ उसी तरह रांची नगर निगम को ये भी कचरा ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे लोगों को आने जाने की दिक्कत ना हो और जो गंदगी फैलती है उसे बीमारी का सामना ना करना पड़े। फिलहाल मुझे दिए इजाज़त अपने सहयोगी सुशील तिर्की के साथ, यशवंत कुमार 99 न्यूज़ रांची।